हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वैष्णवी डिजिटल जोन इन प्रेजेंट गोरखपुर। गोरखपुर सिटी में एक वैष्णवी डिजिटल जोन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने के लिए वीडियो मैं मेक कर रहा हूँ, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सेंटर इस वैष्णवी डिजिटल जोन में जाता है और वहाँ बच्चे पहुँचने में बहुत देरी लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के एग्जामिनेशन छूट जाते हैं और जो एग्ज़ाम उनके लिए वैल्यूबल होता है, कई वर्षों से वो परिश्रम किए होते हैं, कई वर्षों से मेहनत किए होते हैं और माँ बाप का सपना होता है कि अबकी बार बच्चा एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन रैंक लेके आएगा। लेकिन क्या होता है, छोटी सी गलती कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे या टाइम से पहुँच नहीं पाते और या एग्जामिनेशन के बहुत शुरू होने के बहुत देर बाद पहुँचते हैं। दो रीजन्स होते हैं एग्जामिनेशन छूटने के। लेकिन अगर इसके पीछे हम लोग बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप सभी को पता नहीं होता कि ये सेंटर है कहाँ। एक्चुअली देरी होने में यही रीजन होते हैं, यही काजेज होते हैं कि बच्चों को सेंटर पता नहीं होता। तो आज जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें मैंने लखनऊ के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लखनऊ में बहुत सारे सेंटर्स जोन हैं जिनमें आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन कराया जाता है, जैसे SSC के एग्जामिनेशन में और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराए जाते हैं जिनमें जो सेंटर बनाए जाते हैं उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे सेंटर्स। और गोरखपुर सिटी की बात करते हैं, वहां भी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो बहुत सारे। आज गोरखपुर के एक ऐसे सेंटर की बात करेंगे जिसका नाम है वैष्णवी डिजिटल जोन, इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है जो रेलवे स्टेशन की यात्रा को कर करके अगर वो पहुंच रहा है अपने सेंटर पर, वैष्णवी डिजिटल जोन पर पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए मैं जो रास्ता बताऊंगा वो सबसे क्लियर कट का रास्ता है और मात्र 20 रुपए में वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएगा, यानी वैष्णवी डिजिटल जोन पर पहुंच जाएगा। सर 20 रुपए में मात्र वैष्णवी डिजिटल जोन पर पहुंचने का कौन सा रास्ता हो सकता है? अगर आप सभी लोग रेलवे से यात्रा करते हुए अगर आप लोग पहुंचना चाहते हैं तो आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जंक्शन पर पहुंच जाएं और वहां पर जो एग्जिटिंग गेट है, गेट नंबर 8, यानी व्हेन यू रीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन एग्जिट गेट नंबर 8 से आप लोग एग्जिट करेंगे और सीधे आप बाहर जाएं, जैसे ही लगभग बाहर आप जाएंगे तो सीधे आपको सीधे कहीं मुड़ना वगैरह नहीं है, आपको सीधे 50 मीटर की दूरी पर आपको धर्मशाला पड़ेगा। एक धर्मशाला नाम किसी से भी आप बगल में पूछ लेंगे तो आपको वहां बता देंगे लोग या ऑटो वाले ही बता देंगे और वहां पे आप पूछिएगा कि हमको धर्मशाला जाना है, वो लगभग 50 मीटर का या 100 मीटर की डिस्टेंस पर आपके धर्मशाला पड़ेगा, वहां पे आप सीधे जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हैं, आपको अगर भी आपको ऑटो लेना है तो आप ऑटो ले सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पास डिफिशेंसी ऑफ मनी होता है तो वो 50 मीटर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, आप 50 मीटर आसानी से चल सकते हैं और आप धर्मशाला पे पहुंच जाएंगे। अब धर्मशाला पहुंचने के बाद वहां बहुत सारे ऑटो लगे होते हैं जिनमें ऑटो चालक जो भाई साहब होते हैं वो सब चलाते हैं। वहां पे क्या होता है कि जब आप अपने एडमिट कार्ड्स को निकालते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहीं से स्टूडेंट आया है एग्जाम देने के लिए और वो अलग से बिल्कुल ओवर चार्ज मारने लगते हैं कि 100 रुपीज़, 200, 500 किसी से ले लेते हैं, 450 रुपीज़ ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुना है और मैंने वीडियोज़ बनाया, मैंने कहा इतने रुपये में आप पहुंच जाओगे, लेकिन बच्चों ने कमेंट किया सर मैं इतने रुपये में पहुंचा, मैं 400 में पहुंचा। अरे भाई, आप जब ऑटो वाले भाई साहब को जब आप दिखाते हो कि अपने एडमिट कार्ड को कि सर मुझे यहाँ भाई जाना है, तो वो क्या करता है कि वो बस रिकॉग्नाइज कर लेता है कि बस ये कोई स्टूडेंट है आज के लिए केवल आया है और ये यहाँ से परिचित नहीं है, यहाँ से ये नोइंग नहीं है, यहाँ का लोकेशन ये नहीं जान रहा है, यहाँ की सिटी को ये नहीं जान रहा है। मेन बात बता रहा हूँ जो बहुत ही हर जगह ही अप्लाई होगा। तो आप सभी लोग अपने सेंटर्स के लोकेशन को याद किए रहिए और बिना एडमिट कार्ड निकाले हुए उनसे आप टॉक करिए और उनसे कहिए कि मुझे इस जगह पे जाना है। देखिए वो आपको जो पैसा होता है, जो वहां जाने का केवल चार्ज होता है, केवल उसी चार्ज में वो आपको नॉर्मली पहुंचा देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं गलती कि एडमिट कार्ड्स को निकाल करके आप लोग उनसे बताते हैं तो वो देख जाता कि भाई एडमिट कार्ड बच्चा लिया यानी आज के लिए केवल एग्जामिनेशन को देने के लिए आया है। तो ये सारे कारण आपके होते हैं जो ज्यादा रुपए लग जाते हैं सेंटर पर पहुंचने के लिए। मैं 20 रुपया कैसे बता रहा हूं, इन्हीं सब कारणों से बच करके आप 20 रुपए में पहुंचेंगे। अब आप धर्मशाला तक पहुंचने का मैंने आपको रास्ता बताया, वे बताया है कि जिसमें आप अगर स्टेशन से आ रहे हैं तो गोरखपुर जंक्शन पे पहुंचने के बाद आप एग्जिट करेंगे गेट नंबर 8 से एग्जिट करेंगे बाहर। वहां किसी से भी पूछेंगे कि भैया धर्मशाला किधर है, तो वहां पे कोई भी आपको बिल्कुल आप कह सकते हैं स्ट्रेंजर पर्सन भी वहां का बता देगा कि भाई कहां पे धर्मशाला है। लगभग 50 मीटर की दूरी पर आपको धर्मशाला मिलेगा। धर्मशाला पे पहुंचने के बाद आप किसी भी ऑटो वाले भाई साहब से अपने सेंटर का आप याद रखेंगे कि हमको वैष्णवी डिजिटल जोन पर जाना है। आप ऐसे ही बोल देंगे भी हमको वैष्णवी डिजिटल जोन पर जाना है ऑटो वाले से, तो वो नॉर्मली फीस में आपको पहुंचा देगा और वहां का नॉर्मली फीस है 20 रुपये मात्र है वहां तक का, सेंटर तक का। अब वो आपको अगर सेंटर तक नहीं पहुंचाएगा तो आपका जो ये धर्मशाला है, धर्मशाला से वो आपको मेडिकल रोड जो HN सिंह चौराहा है यानी वहीं पे पड़ेगा। धर्मशाला से आप जब ऑटो पकड़ेंगे तो HN सिंह चौराहा, जिसको मेडिकल रोड भी जाना जाता है, HN सिंह चौराहा पे वो आपको छोड़ देगा। यानी धर्मशाला वाले आप ऑटो वाले भाई साहब से बोलेंगे कि भाई मुझे HN सिंह चौराहा जाना है,
अभी मैं समरी करूंगा, एक बार समरी कर दूंगा कि कैसे कैसे फाइनली जाना आपको। तो वहां आप बोल दीजिएगा, धर्मशाला पे जो ऑटो खड़े होंगे वहां बोल दीजिएगा भाई हमको एचएन सिंह चौराहा जाना है यानी मेडिकल रोड, तो वो आपको वहां छोड़ देगा। वो 20 रुपया का चार्ज मात्र लेता है, यही 20 रुपया आपके लगने हैं और कहीं फीस नहीं लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ रास्ता, और कहीं 1 रुपया नहीं लगना आपका। जब आप एचएन सिंह चौराहा यानी मेडिकल रोड एचएन सिंह चौराहा पे वो आपको छोड़ देगा, आप जैसे ही एचएन सिंह चौराहा पे पहुंचेंगे, मैं आपको ऊपर आपको दिखेगा, अभी मैं आपको लगा दूंगा इमेज, ऊपर आपको दिखेगा जो आपका डिजिटल जोन है उसका इमेज भी लगा दूंगा। आप ऐसा ही आपको बिल्कुल लेफ्ट में, जैसे ही एचएन सिंह चौराहा पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट वाली गली आपकी जाएगी, लगभग 100 मीटर आप लेफ्ट चलेंगे, जहां एचएन सिंह चौराहा पे आपको ऑटो वाले छोड़ेंगे, वहां से आप पूछ लीजिएगा भैया डिजिटल जोन वाले जाने वाला रास्ता कौन सा है, वो बता देगा बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं कि आप जिधर से जाएंगे यानी धर्मशाला से होते हुए आप निकलेंगे एचएन सिंह चौराहा पहुंचे, तो आपके एचएन सिंह चौराहा पे जहां वो ड्राइवर छोड़ेगा आपको, वहीं से लेफ्ट आपको एक गली दिखेगी और आप सीधे वो गली पहन पकड़ करके 200 मीटर आगे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे जैसे इमेज में ऊपर दिख रहा है, ऐसे ही आपको बिल्कुल आपका जो वैष्णवी साइबर जोन है वो आपको दिखने लगेगा। वहीं पे आपका सेंटर है, जाइए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसी अगर प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल 20 रुपये में वहां पहुंच जाएंगे। आपको सबसे पहले मैं एक बार बता दे रहा हूं ओवरव्यू, अगर आप गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे पहुंच गए हैं तो वहां से एग्जिट करना है गेट नंबर 8 से। एग्जिट करने के बाद आपको धर्मशाला पहुंचना है सबसे पहले, फिर धर्मशाला पे पहुंचने के बाद कोई ऑटो लेना है और वहां बताना है कि मुझे एचएन सिंह चौराहा जाना है यानी एचएन सिंह चौराहा मेडिकल रोड। वहां पे जाने के बाद जब से ही आपको ऑटो वाला छोड़ेगा, लेफ्ट रास्ता कटा होगा, वहां से 200 मीटर आप आराम से चल जाएंगे अच्छे तरीके से, तो वहां आपको बाहर से ही दिखने लगेगा आपका सेंटर यानी वैष्णवी डिजिटल जोन आपको दिखने लगेगा। ओके थैंक यू, उम्मीद है आप सभी को ये वे समझ में आया होगा जो सबसे इजी वे है, यानी अगर आप प्लेटफॉर्म से आए हैं या बस से भी आते हैं तो यही होगा। आपको बस से अगर आए हैं तो आपको सबसे पहले वो बस अड्डे पे छोड़ेगा, बस अड्डे के बाद आपको धर्मशाला आना होगा, फिर यही प्रोसेस अपनाना होगा, धर्मशाला से आपको एचएन सिंह चौराहा यानी मेडिकल रोड, फिर मेडिकल रोड से लेफ्ट रोड कटी हुई है जो आपके वैष्णवी डिजिटल जोन पर जाती है। ठीक है, तो वहां 10-20 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी आपको बस अड्डे से धर्मशाला पर आने के लिए 20-30 रुपये जो चार्ज नॉमिनल होता है, लगभग 30 रुपया होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है, तो आपको वो धर्मशाला छोड़ देगा। आप धर्मशाला से फिर वही प्रोसेस होंगे, 20 रुपये के आपको एचएन सिंह चौराहा जाना होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसी प्रकार से आपको वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं, जैसे भी आपको सेंटर्स जहां भी होते हैं, चाहे वो लखनऊ में सेंटर्स हों या वो दिल्ली में सेंटर्स हों या वो आपके गोरखपुर के सेंटर हो या आपके बात करें तो पूरे ऑल ओवर यूपी का कहीं भी अगर कोई सेंटर है, तो मैं मैक्सिमम सेंटर्स को अपनी अपलोड किया हूं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को आप विजिट कर लेंगे, कहीं भी एग्जामिनेशन होने वाला है, सेंटर नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल को विजिट करिए हमारे, और जो आदित्य 24/7 आपका 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हैं, और आप अच्छे तरीके से इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिस प्रकार से हम इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहे जहां भी सेंटर्स का वीडियो है। और मैं एसएससी और एग्जामिनेशन की भी तैयारी इस पे होती है, अच्छे तरीके से आप सभी देख सकते हैं, जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।